टमाटर या मटर या फल अपना एडवर्टाइजमेंट देने नहीं आते, कंपनियां देती हैं। आज के दिन में हमें सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी मिल कहाँ से रही है? मीडिया से। मीडिया से निर्भर होने के बजाय अपनी खुद की जागरूकता को बढ़ाएं और सेहतमंद रहें। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है, क्या इंसान के शरीर को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? प्रसिद्ध जाने माने अमेरिकी शोधकर्ता डॉक्टर कोलिन कैंपल अपनी किताब होल में कहते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना ऐसा ही है जैसे कि किसी बहुत बहादुर जनरल को आपने युद्ध में भेज दिया बिना उसकी पलटन के। अब चाहे जनरल कितना ही बहादुर, कितना ही कर्मठ क्यों ना हो, अपनी पलटन के बिना वो कितनी सफलता, कितनी कामयाबी ला पाएगा? सोचने वाली बात है। प्रकृति ने कुछ सोच कर ही फल और सब्जियों में किसी एक पोषक तत्व को अकेले डालने के बजाय कई तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी पौध जगत से प्राप्त खनिज लवण और अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर भेजा है। अगर प्रकृति चाहती तो विटामिन सी किसी एक खाद्य पदार्थ में बिल्कुल अकेले विटामिन सी ही डाल देती, किसी एक खाद्य पदार्थ में अकेले कैल्शियम ही डाल देती, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं है। कई सारे पोषक तत्व एक साथ मिलजुल कर आते हैं और जब ये अपने पूर्ण रूप में हमारे शरीर में जाते हैं तब अपना पूरा प्रभाव ये दिखा पाते हैं। अकेले सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते। आम तौर पे हमें विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 या बीटा कैरोटीन, इन सब के सप्लीमेंट्स लेने की आदत होती है। जो लोग विटामिन ए का सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके शरीर को कैल्शियम को जज्ब करने में तकलीफ होती है। जो लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके शरीर में आयरन की बायो अवेलेबिलिटी में रुकावट आती है, उस पर असर पड़ता है। आयरन के सप्लीमेंट्स लेना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे सेल्युलर डीएनए डैमेज हो सकता है। और जो लोग बीटा कैरोटीन की सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको लिवर कैंसर होने की संभावना रहती है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेने वालों में डायबिटीज़ की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब हमें सोचना है कि हमें सप्लीमेंट्स लेना है कि नहीं। इसमें दो बातें और हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक है बायो अवेलेबिलिटी, दूसरा है नकारात्मक संतुलन यानी नेगेटिव बैलेंस। हमारे शरीर को आप चाहे कितना भी विटामिन और मिनरल दे दें, चाहे सप्लीमेंट के रूप में दें या पूर्ण आहार के रूप में दें, हमारा शरीर उन तत्वों के उसी हिस्से को जज्ब करता है जितना कि शरीर को उस समय पर ज़रूरत होती है। इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। चाहे मान लीजिए आपने आज 500 मिलीग्राम कैल्शियम ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कल जहां आपके जिन शरीर के जिस हिस्से को कैल्शियम की ज़रूरत होगी वहां पे 500 मिलीग्राम पहुँच जाएगा, उतना ही जज्ब किया जाएगा जितने की ज़रूरत है। कई करोड़ों सालों के मानव के विकास में हमारे शरीर को इस तरीके से खाद्य पदार्थों के चयापचन और उनको जज्ब करने में महारत हासिल हो गई है। जितना चाहिए उतना ही जज्ब होता है, बाकी आंतों में रह जाता है और उसको आपके किडनी, आपके गुर्दे निकास द्वार से बाहर कर देते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है नेगेटिव बैलेंस यानी नकारात्मक संतुलन का। मान लीजिए कल आपने 300 मिलीग्राम कैल्शियम लिया खाद्य पदार्थ के रूप में या सप्लीमेंट के रूप में, किसी भी रूप में, आज आपने 100 और ले लिया। अब क्या होता है कि इसके साथ आपने जो आप दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर या अन्य पशुओं से प्राप्त आहार यानी अंडा, मांस, मछली आप खाते रहे, इस 400 मिलीग्राम में जो आपके शरीर में पहुंचा है 200 की ज़रूरत थी तो आपके शरीर ने उसको जज्ब किया, बाकी 200 आपकी आंतों में रह गया। हमारा शरीर क्षारीय है यानी एल्कलाइन। पशु जगत से प्राप्त हर आहार अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक। जब हम इस आहार को खाते हैं तब क्षार और अम्ल के बीच के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। अब इसमें 200 तो पहले ही जज्ब हो गया था। अब मान लीजिए आपकी जीवन शैली की वजह से आपके शरीर ने 250 मिलीग्राम कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकाला और गुर्दों ने बाहर कर दिया। इस बार क्या हुआ, आपको -50 का नकारात्मक संतुलन यानी नेगेटिव बैलेंस हो गया, यानी आपने खाया और आपके शरीर को लगा भी नहीं। इसके अलावा
आप ये भी देखें कि हमें कहा जाता है कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसलिए कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिया करें। लेकिन आप क्या किसी एक इंसान को जानते हैं जिसके कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते लेते ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया हो? फिनलैंड जैसे देशों में जहाँ पे बहुतायत में दूध या चीज़ लिया जाता है, खाया जाता है, वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में लोगों में पाया जाता है। अगर दूध में इतना ही कैल्शियम है तो वहाँ पे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस क्यों है? है कि नहीं, सोचने वाली बात है। क्षार और अम्ल के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर कैल्शियम हड्डियों से निकाल बाहर करता है, इसी वजह से ऐसे देशों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या रहती है और नेगेटिव बैलेंस का जो सिद्धांत है वो अप्लाई हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? आपके शरीर को किसी भी तरीके के बाहरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पौध जगत से प्राप्त आहार को आप खाते रहें, फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, जितना चाहिए आपका शरीर उसमें से जज्ब कर लेगा, जो नहीं चाहिए वो बाहर कर देगा, आप चाहे कितना भी खा लें। सप्लीमेंट्स का जहाँ तक सवाल है, आपको सिर्फ B12 और D3 की ज़रूरत है। B12 हमारा शरीर नहीं बना पाता, इसको बैक्टीरिया और यीस्ट मिलकर बनाते हैं। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें खमीर हो, यानी डोसा खाएं, खिमची खाएं, या फिर और भी अन्य ढोकला है, ये सब जिस खाने में खमीर पैदा हो जाता हो उसको अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में B12 आता रहेगा। लेकिन आप टेस्ट ज़रूर कराएं, और B12 की कमी से बहुत सारी बीमारियां या तकलीफ़ें आ सकती हैं और इसको सप्लीमेंट करना बाहर से ज़रूरी है। अगर आप www.sharan-india.org पे जाते हैं, इसमें B12 के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। टेस्ट कराएं, अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ B12 का सप्लीमेंट करें। दूसरा है D3। D3 हमें सूरज की किरणों से आसानी से मिल जाता है। रोज कोशिश करें सुबह या फिर शाम के वक्त, जब धूप हो, आप धूप को ले पाएं, आप धूप में रहें दिन में करीब आधा घंटा, और ज़्यादा हो सके तो 45 मिनट तक धूप लें। लेकिन ऐसे में आपके शरीर में कोई भी क्रीम या लोशन नहीं लगा हुआ होना चाहिए, और आपने फुल बाजू की कमीज़ या कपड़े ना पहने हुए हों। शरीर धूप में दिखे तो हमारा शरीर जितना D3 चाहिए उसमें बना लेता है, जज्ब कर लेता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको D3 का सप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जो वेबसाइट आपको अभी बताई गई है उस पे जाएं, वहाँ पे D3 के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है। आप देखें, हिसाब से डोज लें और सिर्फ B12 और D3 को सप्लीमेंट्स के रूप में लें। बाकी पौध जगत से प्राप्त आहार पर निर्भर रहें, आपके शरीर को किसी भी तरीके की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये भी सोचें कि टमाटर या मटर या फल अपना एडवर्टीजमेंट देने नहीं आते, कंपनियां देती हैं। आज के दिन में हमें सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी मिल कहां से रही है? मीडिया से। मीडिया से निर्भर होने के बजाय अपने खुद की जागरूकता को बढ़ाएं और सेहतमंद रहें। फिट तक में, हेल्दी लिविंग विद शरण में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।